चलिए अब बात ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां राहुल गांधी से हिंदू महासभा खफा, वीर सावरकर पर बयान से हुई खफा। आपको बता दें, हिंदू महासभा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लिखी चिट्ठी, 24 घंटे में राहुल गांधी माफी मांगे नहीं तो करें FIR दर्ज। हिंदू महासभा ने चेतावनी दी है, राहुल गांधी की यात्रा को मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित करें, नहीं तो मध्य प्रदेश में अशांति होगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमें पूरे मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करना है। बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर सामने आ रही है, जहाँ हिंदू महासभा ने चेतावनी दी है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यहाँ पर चेतावनी दी गई है। और ये भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को प्रतिबंधित किया जाए। हिंदू महासभा यहाँ पर खफा नजर आए हैं वीर सावरकर वाले बयान पर। यहाँ पर राहुल गांधी से हिंदू महासभा सभी यहाँ पर खफा नजर आए हैं। हिंदू महासभा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से अर्जी की है और गुजारिश की है कि राहुल गांधी माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इसके अलावा ये भी कहा है कि हम महासभा ने ये भी चेतावनी दी है कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा नहीं करने देंगे, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रहे, राहुल गांधी से हिंदू महासभा खफा। टिप्पणी करने वाले राहुल गांधी जी को 24 घंटे के अंदर अंदर माफी मांग लेनी चाहिए। हिंदू महासभा ने आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से पत्र लिखकर मांग की है कि इनकी यात्रा, राहुल गांधी जी का प्रवेश मध्य प्रदेश में तुरंत प्रतिबंधित कर दिया जाए, अन्यथा मध्य प्रदेश में अशांति होगी, जिसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। हिंदू महासभा सहित सैकड़ों सावरकरवादी, हजारों सावरकरवादी उनकी यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के अंदर विरोध करेंगे। उन्हें 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी माफी मांगे, अन्यथा विरोध के लिए तैयार हैं। जी, तो देखा आपने किस तरीके से हिंदू महासभा यहाँ पर भड़कती हुई नजर आ रही है और राहुल गांधी पर ये पूरी गुस्सा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू महासभा यहाँ पर चाहती है कि राहुल गांधी 24 घंटे के अंदर या तो माफी मांगे या फिर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसे मध्य प्रदेश में प्रवेश ना दिया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए। वीर सावरकर वाले बयान पर यहाँ पर हिंदू महासभा खफा होती हुई नजर आई है। बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चिट्ठी भी लिखी है और उसमें लिखा है कि राहुल गांधी या तो 24 घंटे में माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। बड़ी खबर ग्वालियर से बता रहे हैं, हिंदू महासभा ने चेतावनी भी दी है और कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित करें। आपको बता दें, बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी से हिंदू महासभा खफा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं जावेद खान, संवाददाता जावेद खान। जावेद, हिंदू महासभा यहाँ पर काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और वहां पर उन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसे मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया जाए। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, जो राहुल गांधी के बयान के बाद जो वीर सावरकर के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है और उनके बारे में जो बात बताई है ऐतिहासिक रूप से, उसका विरोध में और जो राहुल गांधी के बयान के विरोध में और सावरकर के समर्थन में हिंदू महासभा उतर आई है और उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि मध्य प्रदेश में उनकी यात्रा को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और इसके अलावा जो उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर अगर कोई अनहोनी होती है या उनकी यात्रा से प्रदेश का वातावरण खराब होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश की सरकार की होगी। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर वो उनको प्रवेश किया जाता है तो उन पर उसके जो बयान को लेकर सबसे पहले तो उन पर FIR दर्ज कराई जाए और FIR दर्ज नहीं होती है तो उनका आंदोलन तेज होगा और मध्य प्रदेश में जो यात्रा प्रवेश करने वाली है उसको लेकर वो हिंदू महासभा पूरी तरीके से विरोध करेगी। गौरतलब है कि जो हिंदू महासभा के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर ग्वालियर में मुखर रहते हैं, उन्होंने गौडसे की जो प्रतिमा है उस पर उनका उसकी मूर्ति स्थापित करने की भी यहाँ कोशिश की थी और इसके साथ ही यहाँ पर जो एक जो अभी कुछ दिन पहले ही उनका जो पुण्यतिथि भी बड़े जोर शोर से मनाई गई थी, पूजा पाठ किया गया था, कार्यक्रम किए गए थे और उसको लेकर हिंदू महासभा यहाँ लगातार मुखर रहती है और सावरकर के समर्थन में वो उतरी हुई है और उसको क्रांतिकारी के रूप में मानती है, तो इसको लेकर उन्होंने अपना विरोध जताया है और मध्य प्रदेश में प्रवेश को रोकने की बात कही है। जी,
जी जावेद, क्या लगता है आपको, नरोत्तम मिश्रा को यहाँ पर पत्र भी लिखा है, उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आ सकता है? बिल्कुल, इस बारे में संभवतः गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में अपना बयान दिया है और उन्होंने भी कहा है कि यात्रा की सुरक्षा की बात तो की जा रही है, लेकिन कोई भी सांप्रदायिक सद्भाव या किसी भी क्रांतिकारी को अपशब्द कहने को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने टिप्पणी का भी एक तरह से विरोध किया है और ये सावरकर को लेकर जो मुहिम छिड़ी हुई है और मध्य प्रदेश में यात्रा को लेकर, अभी सबसे बड़ी बात है कि अभी इंदौर में भी एक पत्र प्राप्त हुआ है कि उसमें धमकी दी गई है कि उनके यात्रा प्रवेश करती है तो उसके उसकी जिम्मेदारी होगी और उसमें हिंसा भी होने की बात की है। इस तरह से जो पत्र प्राप्त हुआ है उससे लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में जो भारत जोड़ो यात्रा जो प्रवेश करने वाली है उसको लेकर एक राजनीति गर्म है और सभी इसका एक तरह से जो कांग्रेस के अलावा जो दल हैं वो विरोध कर रहे हैं और जो एक सुरक्षा का बात की जा रही है, सुरक्षा के मुद्दे पर भी एक कांग्रेस भी मुखर है। उन्होंने कहा है कि इसमें लगातार जो दबाने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी 3000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, उससे लेकर जो बीजेपी है उसको घबराई हुई है, तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर एक राजनीति की जा रही है। जी जावेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए।